चलो ये नेक्स्ट मेथड की बात करें, नेक्स्ट मेथड है एक्सिला मेथड, एक्सिलरी मेथड, एक्सिलरी मेथड। चलिए मोस्ट कॉमनली जो रेक्टल मेथड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है चिल्ड्रंस के अंदर, सॉरी इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट और न्यूबॉर्न, इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है रेक्टल मेथड यूज किया जाता है ताकि एक्यूरेसी सही रहे। उसके बाद एक्सिलरी मेथड की बात करें तो इसका पहला पॉइंट है लीस्ट एक्यूरेट मेथड, लीस्ट एक्यूरेट मेथड, लीस्ट एक्यूरेट सबसे घटिया मेथड वही है। अगर आप रीडिंग लेते हो तो क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी रीडिंग गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस, एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस के कारण आपको इसकी रीडिंग बिल्कुल सही मिलने के चांस बहुत ज्यादा कम है। जब आप इससे मेजर करोगे 3 से 5 मिनट आपको लगने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगे रीडिंग लोगे तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आने वाला है। जो भी आपके पास आपका टेम्परेचर आएगा उसमें आप एक ऐड कर दोगे, वन ऐड कर दोगे। मान के चलो अगर मेरा टेम्परेचर अभी 100 आ रहा है और मैंने एक्सिलरी टेम्परेचर लिया, एक्चुअल मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपको एक जोड़ना पड़ेगा एक्सिलरी मेथड में, रेक्टल मेथड में एक घटाना पड़ेगा, ओरल मेथड में ना आपको कुछ घटाना ना आपको कुछ ऐड करना, ठीक है भाई। तो भाई 3 से 5 मिनट में लोगे आपकी रीडिंग इतनी आएगी, लीस्ट एक्यूरेट मेथड है एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस के कारण, चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज्यादा यही मेथड यूज, एग्जाम में आ जाएगी इनमें से कौन सा मेथड चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा तो उसका आंसर है एक्सिलरी मेथड, ठीक है। एक्सिलरी मेथड में मिड ड्राई क्लीन एक्सिला यूज किया जाएगा, कहाँ यूज करते हैं, मिड ड्राई क्लीन एक्सिला, क्लीन होनी चाहिए, मिड होनी चाहिए, ड्राई एक्सिला यूज करोगे आप क्लीन एक्सिलरी मेथड यूज करने के लिए, ठीक है। जहां ओरल मेथड और रेक्टल मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गए वहां आप आराम से इन मेथड्स को यूज कर सकते हो भाई, वहां इसका रोल रहेगा। ये था एक्सिलरी मेथड। इसके बाद नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर लिया जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो आपके कान के अंदर है, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ईयर के अंदर, ईयर के अंदर प्रेजेंट होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ईयर ड्रम जो जिसको आप बोलते हो वहां से टेम्परेचर लेते हो। अलग से टिम्पेनो थर्मोमीटर आते हैं इसके लिए आते हैं टिम्पेनो थर्मोमीटर, टिम्पेनो थर्मोमीटर आते हैं अलग से, ऐसा प्रोब होता है उनका और ये थर्मोमीटर ऐसे करके और प्रोब को इंसर्ट कर देते हैं। टिम्पेनो थर्मोमीटर से आप मेजर करोगे क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जितने भी आप मेथड ले लो। अगर आप कोर बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हो, कोर बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर, इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर उनकी बात कर रहे हो तो कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए सबसे एक्यूरेट तरीका यही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है किसके लिए, कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अगर आप टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हो तो सबसे एक्यूरेट किससे आएगा, वो आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड से, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वही आपके हीट रेगुलेटरी सिस्टम, हीट रेगुलेटरी सिस्टम बोल दू या सेंटर बोल दू, हीट रेगुलेटरी सेंटर की भी वही ब्लड सप्लाई है जो आपके ईयर ड्रम की सप्लाई, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वही हीट रेगुलेटिंग सेंटर दैट इज हाइपोथैलेमस उसकी ब्लड सप्लाई है, इसीलिए जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है टेम्परेचर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड है। एक टेम्पोरल मेथड भी होता है ना, टेम्पोरल आर्टरी मेथड होता है, ठीक है।
एक बार ये देख लो, हीट रेगुलेटरी सेंटर जो है हाइपोथैलेमस है, भूख प्यास गर्मी सर्दी इन सभी का सेंटर हाइपोथैलेमस है। थ्रस्ट सेंटर भी है ना, थ्रस्ट सेंटर भी है, हंगर सेंटर भी है, हीट रेगुलेटरी सेंटर भी है, सबका सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये अच्छा जो हाइपोथैलेमस की ब्लड सप्लाई वही आपके ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसीलिए कोर बॉडी टेम्परेचर को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? वो यही है, कोर बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है, ज्यादा आपको देखने को मिलता है हाईएस्ट इन इवनिंग और लोवेस्ट मिलता है इन मॉर्निंग। मॉर्निंग के अंदर आपको टिम्पैनिक या नॉर्मल भी आपको टेम्परेचर जो है लोवेस्ट मिलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि आपने पूरी रात रेस्ट किया तो इसलिए टेम्परेचर कम होगा। इवनिंग में ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपने पूरे दिन काम किया, तो इवनिंग में थोड़ा सा आपका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा देखने को मिलेगा। ये था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। इसके बाद एक मेथड और है, टेम्पोरल आर्टरी मेथड। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी मेथड। टेम्पोरल आर्टरी मेथड, इसमें टेम्पोरल आर्टरी, यहां जो आपकी आर्टरी है वहां से आप टेम्परेचर लेते हो, वहां पे प्रोब को, थर्मोमीटर के प्रोब को घुमाना पड़ता है। जैसे आप घुमाओगे कुछ टाइम के बाद बीप साउंड के साथ आपकी डिजिटल स्क्रीन, थर्मोमीटर की डिजिटल स्क्रीन पर रीडिंग आएगी, आपको बस रीडिंग आ जाएगी। इस तरीके से आप टेम्पोरल आर्टरी मेथड से भी यूज कर सकते हो, ग्रोइन से भी आप टेम्परेचर ले सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर बार बार एग्जाम में आता है, तो कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन है ओरल, एक्सिला, रेक्टम और ग्रोइन। तो कौन कौन से ऑप्शन है? ओरल, एक्सिला, रेक्टल और ग्रोइन। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड टेम्परेचर को लेने का कौन सा है? वो है रेक्टल मेथड। रेक्टल मेथड क्योंकि एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस नहीं, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा, इसीलिए रेक्टल मेथड तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। रेक्टल के साथ साथ आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड और दे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड भी अगर आपको ऑप्शन में दे तो फिर रेक्टल मेथड नहीं होगा, फिर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका आंसर होने वाला है, जो भी आपको देखना हो देख लेना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट एक्यूरेट और लीस्ट एक्यूरेट भी पूछ सकता है आपसे। लीस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर टेम्परेचर तो वो होगा एक्सिला, तो एक्सिला लीस्ट है और ये है मोस्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस तरीके से टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक के बाद आपको 15 से 30 मिनट का गैप देना चाहिए, ठीक है। रेक्टल में बच्चों के अंदर कौन सा यूज किया? चिल्ड्रन के अंदर यूज किया जाएगा एक्सिलरी मेथड, इन्फेंट और न्यू बॉर्न के अंदर यूज किया जाएगा रेक्टल मेथड, नॉर्मल एडल्ट के अंदर कोल्ड ड्रिंक मेथड यूज किया जाता है। ईयर ड्रम से लेते हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के टेम्परेचर के मेथड्स थे जो मैंने सारे आपको करा दिए। ये कंप्लीट हुआ हमारी तरफ से मेथड्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। इसके बाद थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थर्मामीटर जिससे आप टेम्परेचर लोगे, अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स। तो थर्मामीटर की बात करें तो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर और मर्करी थर्मामीटर, मर्करी थर्मोमीटर जिसके अंदर मर्करी रहती है, मैनुअल यूज किया जाता है उसको तो बोलते हैं मर्करी थर्मामीटर। डिजिटल स्क्रीन होती है, बीप साउंड के साथ आपकी डिजिटल स्क्रीन पर रीडिंग आती है, उसको बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर की बात करते हैं, मर्करी थर्मामीटर की बात करें तो इसमें एक तो पोर्शन होता है जहां पे रीडिंग्स लिखी रहती है सारी की सारी, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टैम्प। स्टैम्प पे फेरनहाइट पे भी रीडिंग होती है और सेल्सियस में भी रीडिंग होती है। ये पोर्शन है बल्ब, ठीक है, ये पोर्शन है बल्ब। बल्ब पोर्शन ओरल वाले में अलग अलग तरीके का होता है और रेक्टल थर्मामीटर में अलग टाइप का होता है। ओरल में लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप होती है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल, यहाँ पे शॉर्ट एंड फ्लैट आपको देखने को मिलेगा रेक्टल थर्मामीटर के, ठीक है। और ओरल में लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप आपको ओरल थर्मामीटर की देखने को मिलेगी, ओरल थर्मामीटर के बल्ब की।
ये स्टैम होता है जहां पे रीडिंग होती है, रीडिंग इनमें 95 से लेके 110 डिग्री फारेनहाइट होती है और 35 से लेके 43.3 डिग्री सेल्सियस तक इनमें रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअल जिनमें रीडिंग यहां तक होती है ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोलते हैं, ऐसे थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर्स बोलते हैं जिनमें रीडिंग क्लिनिकल मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास की रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कवर करती है एक्चुअली, तो इतनी रीडिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आई लेवल पे आपको चेक करना होता है, आपको थर्मामीटर को आई लेवल पे लेके अगर आप मरकरी थर्मामीटर के आई लेवल पे लोगे और फिर आप चेक करोगे क्या थर्मामीटर से रीडिंग, ठीक है। क्लीनिंग टेक्निक्स और भी पता होनी चाहिए आपको, अगर आप क्लीनिंग टेक्निक की बात करो किस तरीके से थर्मामीटर को क्लीन करोगे, तो बिफोर यूज और आफ्टर यूज दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप बिफोर यूज की बात करो, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टैम क्लीन करना होता है, बल्ब टू स्टैम, ये थर्मामीटर है, ये इसका स्टैम पोर्शन है, ये इसका बल्ब पोर्शन है। अगर आप यूज करने से पहले क्लीन करना चाहते हो तो आपको बल्ब टू स्टैम क्लीन करना पड़ेगा, और आफ्टर यूज, यूज करने के बाद आपको यूज करना होता है स्टैम टू बल्ब, स्टैम टू बल्ब, स्टैम टू बल्ब। इसका मेन कंसेप्ट है आप हमेशा जो क्लीनिंग टेक्निक यूज करते हो वो लोवेस्ट कंटामिनेशन से हाईएस्ट कंटामिनेशन की तरफ क्लीन करो, लोवेस्ट कंटामिनेशन से हाईएस्ट कंटामिनेशन तक, मतलब जहां पे कम बैक्टीरिया वायरस है, कम गंदगी है, वहां से ज्यादा गंदगी की तरफ आपको टेक्निक है क्लीन करने की। तो वैसे इन मर्करी थर्मामीटर्स को एक सॉल्यूशंस में डाल के रखते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस में डालोगे तो बल्ब पोर्शन ज्यादा क्लीन होता है, आउटर बैक्टीरिया वैसे आउटर साइड से तो आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में अभी लोवेस्ट क्लीनिंग क्या है, ये है हाईएस्ट क्या है, तो आपको क्लीन करना बल्ब टू स्टैम, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टैम। यूज करने के बाद ये पोर्शन माउथ में जाएगा, तो माउथ में बैक्टीरिया है और बाहर का पोर्शन तो कहीं नहीं है, तो बाहर का पोर्शन क्लीन है, अंदर का पोर्शन कंटामिनेटेड, ऊपर उल्टा करेंगे स्टैम टू बल्ब क्लीन करेंगे आफ्टर। वैसे भी आपको याद करना है तो बिफोर वाले में बी से स्टार्ट कर गैस का, बिफोर बी फॉर बल्ब, तो पहले बल्ब आएगा बल्ब टू स्टैम और वो स्टैम टू बल्ब आएगा। इस तरीके से आपको क्लीनिंग टेक्निक पता चल जाएगी कौन सी क्लीनिंग टेक्निक है, कौन कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं क्लीन करने के लिए वो भी हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग होते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन या डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं क्लीन करने के लिए, तो डिटॉल, सेवलॉन, लाइजोल, फेयरजिनोल, अलग अलग टाइप के ये डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं क्लीन करने के लिए। किसको क्लीन करने के लिए, थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए। डिटॉल इनकी कंसेंट्रेशन क्या क्या होती है, इनकी कंसेंट्रेशन होती है 1:40, 1:20, 1:40, 1:40। सिर्फ सेवलॉन जो है उसकी जो कंसेंट्रेशन 20 रहेगी, S20, बाकी सभी जितने भी हैं उनकी सबकी 40 कंसेंट्रेशन रहने वाली है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 ml डिटॉल, प्योर डिटॉल के अंदर आपने 30 ml वॉटर मिला दिया जाए तो अब ये कंसंट्रेशन 1/40 बन जाएगी, 40 ml पूरे सॉल्यूशन के अंदर 1 ml डिटॉल है, ये 1/40 का मतलब होता है कि 1 ml डिटॉल या एक बूंद ले लो, एक बूंद, एक डिटॉल, कुछ भी लो, इसको 1 unit के अंदर 39 units अगर आप वॉटर डालोगे तो उससे जो कंसंट्रेशन 1+39 40 होगी, टोटल तो 40 ml का सॉल्यूशन होगा, उसमें 1 ml क्या है डिटॉल, तो 1:40 बन गया। इस तरीके से 1:40 कंसंट्रेशन आपको डिटॉल की यूज करनी पड़ेगी, सबकी कंसंट्रेशन 140 होगी, सिर्फ एक को छोड़ के, इसको छोड़ के, सेवलॉन को छोड़ के, S20 से याद रखना पड़ेगा, S20, ठीक है, तो भाई S20 आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो गेम क्रिकेट की दुनिया में T20 चलता है ज्यादा फेमस है ना, लेकिन हम जहां से आपको पढ़ा रहे हैं वो हम नजफगढ़ से आपको पढ़ा रहे हैं लाइव, ठीक है। तो नजफगढ़ में जो फेमस क्रिकेटर थे वो कौन थे, सहवाग, तो सहवाग का एस उठा लिया और S20 ऐसे बनाया, S20 याद रखना हो तो सेवलॉन सॉल्यूशन 1:20 चलेगा, बाकी जितने भी सॉल्यूशन है 1:40 चलेंगे। मतलब क्या होता है वो मैंने आपको सिखा ही दिया, ठीक है।
इसके बाद कितने टाइम के लिए रखोगे कि ये सॉल्यूशन थर्मामीटर क्लीन हो जाएंगे, सबका टाइम 5 मिनट है, सिर्फ एक का ही 3 मिनट है, सबका टाइम 5 मिनट है, सिर्फ लाइसोल का जो टाइम है वो 3 मिनट है, बाकी सबका जो टाइम है वो 5 मिनट है। इस तरीके से आपको इनका टाइम भी याद हो जाएगा, डिटोल, सेवलन, फेजिनोल। तो इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है वो यूज किए जाते हैं थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस हो गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थर्मामीटर और टेम्परेचर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।